नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य पिता है, सूर्य पति भी है। जब शादी के बाद स्त्रियों के लिए सूर्य पति हो जाता है। सूर्य ग्रह 15 मार्च 2022 को 12:31 पर लगभग मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति में बैठे हुए सूर्य क्या प्रभाव डालेंगे, हम विस्तार पूर्वक जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। बात कुंभ राशि की करेंगे। दूसरे घर में सूर्य की उपस्थिति वित्त मामलों में आपको ज्यादा जोर देने के लिए प्रेरित करेगी। जातक भौतिकवादी होगा, अपनी भौतिकवादी संसार की जो इच्छाएं हैं, अच्छे कपड़े, खाना पीना, इन सबको मजबूत रखने की आप कोशिश करेंगे। आपकी घर में जर जोरू और जमीन के झगड़े हो सकते हैं। मजबूत सूर्य आप सम्मान और सफलता देगा। प्रतियोगिता में आप विजयी रहेंगे, दूसरों से लड़ाई में जीत जाएंगे, दूसरों से हर रेस में जीत जाएंगे। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, वित्तीय सुरक्षा का विश्वास रखेंगे। कमजोर या पीड़ित सूर्य आपकी आमदनी में कमी कर सकता है, आपको माइग्रेन और आंखों की समस्या दे सकता है। कुंभ राशि के जातकों के सूर्य सातवें भाव के स्वामी है, यात्रा और विवाह के भाव का स्वामी है। गोचर काल के दौरान दूसरे भाव में यानी धन, कुटुंब, वाणी के भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। नौकरी और पेशे की नजरिए से देखा जाए तो यह समय कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से, बॉस से मतभेद हो सकता है। साझेदारी के व्यवसाय में तकलीफें आ सकती हैं, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है तो वहां पर भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस दौरान आप परिवार के सदस्यों से कुछ लड़ झगड़ सकते हैं। इसका सीधा असर आपके व्यवसाय, आपके काम पर और काम करने की क्षमता पर पड़ेगा। परिवार का तनाव आपके काम की गुणवत्ता को कम करेगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें, सावधानी बरतें, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इस दौरान आप सभी काम सोच समझ कर करें, तभी यह समय शुभ साबित होगा। इसके अलावा आप अपनी बातचीत में स्पष्ट नजर आएं, घुमा फिरा के बातें ना करें और अच्छे अंदाज में और अच्छे शब्दों में बातें करें। व्यक्तिगत रूप से व्यवहारिक जीवन में थोड़ा सा आपके संबंध मधुर रहेंगे, बीच बीच में लड़ाई भी होती रहेगी। गंदी जबान बोलने की वजह से या अभद्र भाषा का प्रयोग करने से जीवन साथी प्रेम संबंध में तनाव हो सकता है। आप अपनी सुख सुविधाओं का अच्छा ख्याल रखेंगे, जीवन की लग्जरी को भोगेंगे यानी पैसा खर्च करेंगे सुख सुविधाओं पर। आप पति पत्नी के बीच में संबंध ठीक बने रहें, इसके लिए प्रयास दोनों को ही करना होगा। जो भी लोग कुंवारे हैं उनके जीवन में उनको आदर्श साथी मिल सकता है, एक अच्छा साथी मिल सकता है। और स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आँख नाक कान गले की समस्याएं परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर आपको थोड़ी सावधानी के साथ बड़े लाभ मिल सकते हैं कुंभ राशि वालों को। तो समय अच्छा बनाना आपके ही हाथ में होगा। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ें तो आपको अच्छे लाभ प्राप्त हो जाएंगे। और उगते हुए सूरज को नमस्कार करें और सुबह उठकर उगते हुए सूरज के सामने सूर्य नमस्कार करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति बेहतर है तो आपके लिए रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, नहीं तो आपको सावधान रहना होगा। और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराकर आप हमेशा हमेशा के लिए सूर्य को मजबूत बनाकर शुभ लाभ ले सकते हैं। तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। नमस्कार।